हाउ टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, या फिर आप बोल सकते हो हाउ टू एक्सपोर्ट ऑथेंटिक स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, भारत से मसालों का निर्यात कैसे किया जाए, कौन कौन से देश में भारत से मसालों का निर्यात होता है, सबसे ज्यादा मसाले किस प्रकार के मसाले कौन से देश में जाते हैं, कितना बड़ा है ये बिजनेस और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, एक एक करके हर चीज पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, भारत से मसालों का निर्यात कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर, यूट्यूब चैनल एंड क्लिक एक्सिम ट्रेडिंग LLC पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मसाले एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने हमेशा अपनी ग्रोथ को बढ़ाया है। किसी टाइम पे बासमती राइस भारत का नंबर वन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट माना जाता था, लेकिन पोस्ट कोविड, आप बोल सकते हो कोविड ईरा के अंदर मसालों ने जो बूस्ट और स्पीड पकड़ा है वो अपने आप में किसी भी प्रोडक्ट के लिए अलग लेवल का है। आप अगर मेरे ही कुछ वीडियोस, पुराने वीडियो उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा ये बिजनेस जो था वो 3 बिलियन तक पहुंचा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर 4.46 बिलियन यानी 4,464 मिलियन USD का ये बिजनेस बन चुका है, जो अपने आप में ऑल टाइम हाई है इंडिया के लिए एक प्रोडक्ट रेंज के तौर पे। और आप इससे ये समझ सकते हो कि इस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, किस तरीके से इसका पार्ट चलता है। लेकिन उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोडक्ट कंटिन्यू बूस्टिंग प्रोडक्ट की रेंज में आ रहा है, और इसके साथ साथ में इसका एक मोनोपोली पार्ट जो है वो भारत के साथ में रहता है, क्योंकि भारत के मसालों का कोई भी तोड़ पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और चार टॉप के मसाले जिनमें राप का रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, ये वो मोनोपोली स्पाइसेस है भारत के, जिनका पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे कोई भी तोड़ नहीं है। ये एज एन मेडिसिनल भी काम में आते हैं, बाकी मसालों के लिए, सीजनल मसालों के लिए बोलिए, आप किसी भी चीज के लिए बोलिए, ये आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 10 कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट, ब्लैक पीपर, टर्मरिक एंड क्यूमिन। UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सेफ्रॉन, कार्डमम, सिनेमम। सऊदी अरबिया, क्लॉव्स, ब्लैक पीपर, सिनेमम। UK, टर्मरिक, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर। जर्मनी, कार्डमम, टर्मरिक एंड क्यूमिन। ऑस्ट्रेलिया, टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर। मलेशिया, चिल्ली पाउडर, करी पाउडर, क्लॉव्स। सिंगापुर, स्टार एनिस, सिनेमम, कोरिएंडर। नेपाल, टर्मरिक, ब्लैक पीपर, जिंजर। एंड साउथ अफ्रीका, करी पाउडर, ब्लैक पीपर एंड कोरिएंडर। तो ये आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों कि ये वो टॉप कंट्रीज और टॉप स्पाइसेस हैं जो हाई डिमांड में रहते हैं हमेशा। ये exportguruji.com की वेबसाइट है, जिसको आप आके, जिसके ब्लॉग सेक्शन में आप जाके इस ब्लॉग को आप बाद में रीड भी कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन लर्निंग करनी हो, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए हो, ऑनियन के लिए हो, जैगरी के लिए हो, स्पाइसेस के लिए हो, या फिर मार्केटिंग के लिए हो, या फिर मैन आपको कंप्लीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना हो, तो आप इस पे आके यहां से कोई भी कोर्स आप लॉग इन कर सकते हो। और अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चैट पे लेनी हो तो यहां पे से आप चैट भी कर सकते हो, अदरवाइज ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रहे हैं, यहां पे नंबर दिख रहे हैं, इन पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। तो जिन लोगों को एक्सपोर्ट करना है तो उनको एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। नंबर वन, आपको एक एंटिटी चाहिए। नंबर टू, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए। नंबर थ्री, आपको स्पाइस बोर्ड की RCMC चाहिए। नंबर फोर, आपको यहां पे चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप रिटेलर हो, आप स्टॉकिस्ट हो, आप रिपैकर हो, आप कुछ भी रहो, आपको सेंट्रल लेवल का FSSI यहां पे लगेगा। नंबर फाइव, आपको GST लगेगा, उसके अलावा आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन लगेगा।
तो ये आपकी एक एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनेगी दोस्तों, जिसके ऊपर से आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। पोस्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, तो आपको कमर्शियल इनवॉइस तैयार करनी है, अपनी पैकेजिंग लिस्ट तैयार करनी है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको चाहिए, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग चाहिए एंड आपको क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी यहां पे लगेगा। अब बायर के लिए आप क्या कर सकते हो, तो बायर के लिए अगर आप स्पाइसेस में काम कर रहे हो तो आप कस्टम पोर्ट डाटा पे आप लोग काम कर सकते हो। इसके अलावा आप जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं स्पाइस बोर्ड की तरफ से उनके डाटा पे आप काम कर सकते हो, आप एम्बेसी से डाटा बनवा सकते हो। इसके अलावा आप अपनी खुद की एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, जिसकी मार्केटिंग करके जो एक्चुअल में जिनको स्पाइसेस चाहिए उनके साथ में आप कनेक्शन में आके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। और अगर आपको स्पाइसेस को एकदम से डेप्थ में समझना है, सारे प्रोसेस को समझना है, सप्लायर कैसा होना चाहिए, वेंडर कैसा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर कैसा होना चाहिए, बायर कैसे सर्च करेंगे, खुद का इंटरनेशनल बायर डाटा कैसे बनाएंगे, क्या क्या परफेक्टली डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कौन किस तरीके की इंटरनेशनल लेवल की पैकेजिंग होनी चाहिए, तो आप हमारे स्पाइस प्लानर को आप ऑप्ट कर सकते हो। और इसे ऑप्ट अगर आप करोगे तो इसके साथ में आपको कस्टम का पोर्ट डाटा भी मिलेगा जो यहां पे आपको दिख रहा है, इसके साथ में आपको ई बुक मिलेगी और बाकी स्टेप टू स्टेप आपको इसमें पूरा गाइडेंस भी मिलेगा। तो अगर आप स्पाइसेस में काम करना चाहते हो, अगर आप मसालों का निर्यात करना चाहते हो, ऑन स्क्रीन आपको कॉल नंबर दिख रहे हैं, कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए कि कैसे आप स्पाइसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने मसालों को पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, अपने ब्रांड के अंदर आप लेके जा सकते हो, किस तरीके का प्रोसेस होगा, कैसे आप खुद को आगे लेके जा सकते हो। कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए और अपने व्यापार को इंटरनेशनल पटल तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।